हेलो एवरीवन, सो फ्रेंड्स वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिछले पूरे हफ्ते के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स थे उन पर हमारा ये वीकली करंट अफेयर्स का क्विज शो, जहां पे हम आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, ताकि आपको एक आइडिया भी लगे कि कैसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चाहे आप देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इंश्योरेंस या यूपीएससी एग्जाम की, अगर आप इनके प्रीवियस ईयर्स के पेपर को एनालाइज करें तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर के पोर्शन में से देखने को मिल जाएंगे। और हमारा इनिशिएटिव यही है कि आप मैक्सिमम स्कोर करें एग्जाम में, इसलिए हम मंडे टू सैटरडे तो आपके साथ डिटेल में पूरे दिन के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, संडे को इन्हीं पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को क्विज की फॉर्म में भी आपके लिए लेके आते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक और अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चंस मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा और इन द एंड आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस कितने करेक्ट रहे। क्लियर है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राकेश अस्थाना हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। देखिए अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है मिस्टर राकेश अस्थाना की, तो किस पोस्ट के लिए पे हुई है इनकी एज अ डायरेक्टर जनरल? क्या वो आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, एनएसजी है या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ है? इन चारों में से आपको आंसर बताना है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है यानी बीएसएफ। तो अभी इनकी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है इसके अंदर और ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपको पता है जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज लगते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ मेनली, वहां पे ये देखिए जो है बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने का काम ये करते हैं। तो ये है मिस्टर राकेश अस्थाना जिनके भी इसमें अपॉइंटमेंट हुई है और जो सबसे इसमें बड़ी पोस्ट होती है डायरेक्टर जनरल के पोस्ट पे इनकी यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, कि हाउ मच अमाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज डिविडेंड। देखिए हमेशा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसी तरीके से डिविडेंड के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है पैसा, तो इस बेसिकली फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर में जो है रिजर्व बैंक ने कितना पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है ये आपको बताना है। क्या वो 48,542 करोड़ रुपीज है, 57,128 करोड़ रुपीज है, 65,346 करोड़ या 74,518 करोड़? ये काफी इंपॉर्टेंट अमाउंट है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसी तरीके से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा देता है डिविडेंड के तौर पे, तो इस बार कितना दिया ये आपको बताना है। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है यानी 57,128 करोड़ रुपीज। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट के भी जो रेवेन्यू की सोर्सेज है वो भी देखिए इस टाइम पे काफी कम है इस लॉकडाउन की वजह से, तो उनको जो एक्सपेंडिचर है उसको मीट करने के लिए जो इस टाइम पे पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी आपको पता है इस टाइम पे चाहिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टाइम पे पैसा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है और कितना अमाउंट है 57,128 करोड़ रुपीज। अब यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व बैंक का जो बिल्डिंग है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, इसके बारे में देखिए आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज में सुना भी होगा कि विच टू कंट्रीज हैव एग्रीड द हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट नेमली अब्राहम एकॉर्ड। तो किन दो कंट्रीज ने भी रिसेंटली ये हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट साइन किया है? क्या वो इजराइल एंड पैलेस्टीन है, ईरान और यूएस है, ईरान और यूएई है या इजराइल और यूएई है? तो इसका देखिए आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो जो इसका देखिए करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है यानी इजराइल एंड यूएई ने जो है रिसेंटली काफी हम कह सकते हैं हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम क्या है अब्राहम एकॉर्ड। अब देखिए हिस्टोरिक क्यों है, क्योंकि आपको पता है जितने भी खाड़ी देश है अरब कंट्रीज है उनका इजराइल के साथ कभी भी अच्छे रिलेशन नहीं रहे और उसका आपको पता है जो मेन प्रॉब्लम है वो पैलेस्टीन है, उसकी वजह से जो है कभी भी चाहे वो अरब कंट्रीज हो गई, ईरान हो गया, ठीक है इसी तरीके से बाकी जो जो खासकर अगर मैं बात करूं इंडिया के जो वेस्ट में कंट्रीज है ज्यादातर पाकिस्तान भी हो गया, तो वो कभी भी देखिए उन्होंने इसराइल को रेकोगनाइज भी नहीं किया एज अ कंट्री और कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी अभी तक मेंटेन नहीं किए थे। तो बट अब ये जो है जो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है इसराइल और यूएई के बीच में, इसके तहत जो है अभी ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बनाएंगे और चाहे वो ट्रेड हो गया, टूरिज्म हो गया या एजुकेशन के तौर पर जो है एक दूसरे में इनके में अब एग्रीमेंट्स भी होंगे साइन। क्लियर है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसमें जो देखिए मेन एक रोल रहा वो जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप का भी रहा है क्योंकि उन्होंने इस हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट के बारे में जानकारी सार्वजनिक करी थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों ही कंट्रीज के जो हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है ना, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ये देखिए प्राइम मिनिस्टर ने जब इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच दे रहे थे रेड फोर्ट से, तो उन्होंने वहां पे बात की थी कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया जाएगा। एक तरीके से जैसे आपका आधार कार्ड होता है वैसे आपको एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी कार्ड के तौर पे दिया जाएगा जिसे आप यूज करके कहीं पर भी जो है बेटर मेडिकल फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं। बट ये इस क्वेश्चन आपको बताने की कौन सी नोडल एजेंसी जो है इसको इंप्लीमेंट करेगी, क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है जब पूरे कंट्री लेवल पर अगर इतना बड़ा
जो है इस मिशन को अगर चलाना है तो कौन सी एजेंसी को जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस NDHM यानी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की? क्या वो NHA है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी? क्या वो NCDC है यानी नेशनल सेंटर फॉर डिसीजेस कंट्रोल? इसके अलावा सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो या रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर? तो इनमें से किस नोडल एजेंसी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस NDHM को इंप्लीमेंट करने की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। और जैसे मैंने आपको बताया, खुद प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से जब ये 15 अगस्त की स्पीच में उन्होंने इसके बारे में बात की थी, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की। और एक तरीके से जैसे आपका आधार कार्ड है, वैसे ही आपको एक इंडिविजुअल हर एक पर्सन को एक कार्ड इशू किया जाएगा, जिसके तहत जो है आप पूरे इंडिया में जो है अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज को यूज कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब वो स्पीच दे रहे थे लाल किला से, उसके विजुअल्स है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर 13 न्यू हाईवे प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी रिसेंटली? तो इनमें से किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ने जो है 13 नए हाईवे के प्रोजेक्ट्स जो है उनको लॉन्च किया है, उनका फाउंडेशन स्टोन रखा है? क्या वो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है या मेघालय? तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर, अगर आप हमारा डेली मंडे टू सैटरडे वाला करंट अफेयर्स का शो देखते हो तो आपको पता होगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी मणिपुर। तो मणिपुर में जो है अभी 13 नए हाईवे प्रोजेक्ट्स का जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया, और खुद यूनियन मिनिस्टर जो नितिन गडकरी है उन्होंने वो इसमें प्रेजेंट थे इस इवेंट में। आप देख सकते हैं उसके विजुअल्स भी। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, गवर्नर ऑफ मेघालय के तौर पे भी किने अपॉइंट किया गया इनमें से? सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ मेघालय? क्या वो मिस्टर RN रवि है, सत्यपाल मलिक है, जगदीश मुखी है या BD मिश्रा है? ये आपको बताना है। देखिए जहां तक बात है RN रवि की, तो ये तो देखिए अभी प्रेजेंटली नागालैंड के गवर्नर है, जबकि अपॉइंटमेंट अभी किनकी की गई है मेघालय के अंदर, तो वो है सत्यपाल मलिक। ये देखिए मैं आपको बता दूं, इससे पहले ये जब अभी यूनियन टेरिटरीज बनी थी तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जब ये देखिए आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था पिछले साल 5 अगस्त को, तो जो सबसे पहले देखिए जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर बनाए गए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे जिन्हें अपॉइंट किया गया था वो कौन थे? मिस्टर सत्यपाल मलिक। उनके बाद जो है मुर्मू जी जो थे उनको अपॉइंट किया गया था, और अब जो है रिसेंटली आपको पता होगा एक और जो है अपॉइंटमेंट की गई है, उन्हें भी अब हटा दिया गया है, अब उन्हें कैग की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है मुर्मू जी को। तो अब अगर बात करें मेघालय की, अगर बात करें एट प्रेजेंट गवर्नर सत्यपाल मलिक को बनाया है, इससे पहले भी जस्ट रिसेंटली ये गोवा के थे गवर्नर और अब इन्हें मेघालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। मैं आपको बता दूं सत्यपाल मलिक का दोबारा से, सबसे पहले भी जम्मू एंड कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर अपॉइंट किए गए थे, उसके बाद जो है फिर इन्हें गोवा का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और अब मेघालय की। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी फोटो। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि विच कंपनी हैज बैग्ड द 13th एडिशन IPL स्पॉन्सरशिप राइट्स विच इज गोइंग टू बी हेल्ड इन UAE? तो किसे मिले हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स? आपको पता है देखिए इससे पहले वीवो के पास थी, बट क्योंकि जो इंडिया और चाइना के साथ जो LAC पे तनाव बढ़ा है उसके बाद जो है इस स्पॉन्सरशिप को ले लिया गया है वापस वीवो कंपनी से, और अब ये किसे दिया गया है? ये बेसिकली जो है 4 मंथ के लिए दी गई है ये स्पॉन्सरशिप राइट्स, तो क्या वो टाटा सन्स को दिए गए हैं, बाइजूस को, अन अकेडमी या ड्रीम इलेवन? तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है, यानी ड्रीम इलेवन। तो उसको ये दिए गए हैं ये स्पॉन्सरशिप राइट्स, बेसिकली 4 मंथ के है ये, सितंबर से नवंबर मंथ, और इस बार जो IPL है वो कहाँ होना है? UAE के अंदर होना है। वैसे देखिए आपको पता है हमेशा अप्रैल मंथ में ये इंडिया में होता है, बट इस बार लॉकडाउन की वजह से अब इसे UAE में शिफ्ट किया गया। अब देख सकते हैं दोनों के ही लोगोस, ड्रीम इलेवन और IPL के। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 थी कि ADB हैज अप्रूव्ड हाउ मच लोन फॉर द दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम? इसके बारे में भी देखिए मैंने आपको भी कल परसों के करंट अफेयर में बताया था, बेसिकली दिल्ली NCR में जो कंजेशन है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, उसको एक तरीके से डीकंजेस्ट करने के लिए जो है ये रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाया जा रहा है, जहां पे बेसिकली दिल्ली मेरठ के अंदर जो है हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएंगी। तो इसके लिए ADB ने कितना पैसा अप्रूव किया है? क्या वो $1 बिलियन है, $1.5 बिलियन है, $2 बिलियन है या $3 बिलियन है? तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी $1 बिलियन जो है वो ADB इसके अंदर कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की बिल्डिंग और उनका लोगो जो है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की कि व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व? क्या 18th ऑफ अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं, 19th ऑफ अगस्त, 20th या 22nd ऑफ अगस्त? तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी 19th ऑफ अगस्त को हम हर साल वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व करते हैं। बेसिकली वो लोग जो खासकर ऐसी कंट्रीज में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जैसे जो वार टोन कंट्रीज है जहाँ पे गृह युद्ध चल रहा है, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊँ तो सीरिया हो गया, इराक हो गया, यमन हो गया, या इसके अलावा लेबनान में भी काफ़ी हद तक है, सूडान, साउथ सूडान जैसी कंट्रीज के अंदर जो काम करने वाली बॉडीज है,
चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी की फील्ड में हो गया, ऐसे जितने भी देखिए एरियाज है, तो वहाँ पे जो कंट्रीब्यूट करने वाले लोग हैं उनको एक तरीके से ट्रिब्यूट देने के लिए ये दिन रखा गया 19 अगस्त का। आगे ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपने इनमें आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में। जो भी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग आउट की गई है उसके अकॉर्डिंग कौन सी सिटी टॉप पर रही है इनमें से, क्या वो सूरत है, मैसूर है, इंदौर है या नवी मुंबई है। लेकिन लगातार चौथी बार जो है सी ऑप्शन यानी इंदौर जो है पहले नंबर पे रहा है अगर बात करें स्वच्छता के टर्म्स में। और सबसे पहली बार देखिए जब इसे लॉन्च किया गया था इस रैंकिंग्स को, तो उसमें मैसूर रहा था, पहली बार मैसूर इस पे नंबर वन आया था, बट उसके बाद लगातार 4 सालों से जो है इंदौर ही नंबर वन पे आ रहा है। तो अब तक टोटल 5 बार स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ है, जिसमें से पहली बार नंबर वन पे आया था मैसूर और उसके बाद लगातार 4 साल से इंदौर आ रहा है। दूसरे नंबर पे अगर बात करें सिटी की तो वो सूरत रहा है और तीसरे नंबर पे नवी मुंबई। ठीक है, इसी तरीके से देखिए आपको क्लोज ऑप्शंस गिवन होंगे, बट अगर आपने पढ़ा हुआ है अच्छे तरीके से तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये भी देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 से रिलेटेड है। तो किस टाउन को एडजस्ट किया गया एज द क्लीनेस्ट टाउन ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, क्या वो वाराणसी है, प्रयागराज है, हरिद्वार है या कानपुर। आप देख सकते हैं चारों के चारों जो सिटीज है वो गंगा रिवर के बैंक्स पे बसी हुई है। इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है यानी वाराणसी। तो वाराणसी जो है क्लीनेस्ट टाउन के तौर पे उसे एडजस्ट किया गया है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वाराणसी से ही जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उस इवेंट्स के विजुअल, और इसका जो नाम रखा गया था इस इवेंट का वो क्या था, स्वच्छ महोत्सव। और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की कि विच इंस्टीट्यूट हैज बीन रैंक्ड ऑन द टॉप अमंग द इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, यानी ARIIA जो 2020 के भी रैंकिंग्स जो आउट की गई है उसके अकॉर्डिंग कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो टॉप पे रहा है, क्या वो IIM अहमदाबाद है, IISc बेंगलुरु है, IIT बॉम्बे है या IIT मद्रास है। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है यानी IIT मद्रास। तो लगातार दूसरे साल जो है IIT मद्रास पहले नंबर पे रहा है अगर हम बात करें अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट पर। इसकी देखिए रैंकिंग्स को किसने रिलीज किया था, खुद वाइस प्रेसिडेंट जो है मिस्टर वेंकैया नायडू ने। अब देख सकते हैं IIT मद्रास का की बिल्डिंग का ये आगे का फ्रंट गेट के फोटो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, हु हैज लॉन्च्ड स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशंस फॉर आत्मनिर्भर भारत टू सपोर्ट स्टार्टअप्स। बेसिकली देखिए आपको पता है अभी तक जितने भी माइक्रो प्रोसेसर हैं हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बट अभी जो है जो खुद IITs ने बनाए हैं कुछ माइक्रो प्रोसेसर, तो उसको जो है बाकी जितनी भी कंपनीज हैं वो उसको यूज करके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाए। इसके लिए कैंपेन जो है रखा गया स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, यानी आपको अपने इंडिया के माइक्रो प्रोसेसर को यूज करके डिफरेंट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स को बनाना है। और बेसिकली आत्मनिर्भर भारत के तहत जो इसको लॉन्च किया गया, और आपको पता है आत्मनिर्भर भारत के बेसिकली सभी फील्ड्स के अंदर सेल्फ रिलायंट होना, यानी हमें किसी भी चीज में दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। जैसे आपको पता है, मैंने आपको बताया चाहे वो IT की फील्ड में माइक्रो प्रोसेसर हो गया, अभी तक हम ज्यादातर बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर मैं डिफेंस की बात करूँ तो उसमें अभी तक हम बाहर की कंट्रीज पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो इसलिए जो है लगातार अब कोशिश की जा रही है कि हम सभी फील्ड्स के अंदर, सभी सेक्टर्स के अंदर सेल्फ डिपेंडेंट हो। तो इस पूरे जो चैलेंज है, ये पूरा जो इस कैंपेन को किसने लॉन्च किया है इनमें से, क्या वो नरेंद्र मोदी है, रविशंकर प्रसाद है, संजय धोत्रे है या अजय प्रकाश सानी है। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है यानी रविशंकर प्रसाद, क्योंकि आपको पता है वो भी यूनियन मिनिस्टर है IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं संजय धोत्रे की, तो वो देखिए इसी मिनिस्ट्री को ही देखते हैं, लेकिन वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उनके पास मिनिस्टर ऑफ स्टेट का चार्ज है, जबकि अजय प्रकाश सानी जो है ये एज अ सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंटेड है IT और इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की कि किस स्टेट ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है इंदिरा रसोई योजना को, क्या वो राजस्थान है, पंजाब है, छत्तीसगढ़ है या मध्य प्रदेश है। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है राजस्थान। ये देखिए इससे पहले भी मैंने आपको एक बार बताया था इसके बारे में, बट फाइनली अब इसे इनॉग्रेट कर दिया गया इस योजना को, जो कि इसका नाम रखा गया इंदिरा रसोई योजना। तो राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया, आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं जब इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसमें आपको ₹8 में जो है बेसिकली भरपेट खाना दिया जाएगा स्कीम के तहत। और आगे बात करते हैं इंडिया इज लॉन्चिंग सप्लाई चेन रेसाइलेंस इनिशिएटिव टू काउंटर चाइना अलोंग विद विच टू नेशंस। आपको पता है देखिए अभी तक जो है COVID-19 से पहले तक जितनी भी इंपॉर्टेंट सप्लाई चेन्स थी वो ज्यादातर चाइना में बेस्ड थी, और चाइना पे जो डिपेंडेंसी थी वो सभी कंट्रीज की बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से जो अब देखा गया खासकर COVID-19 के टाइम पे जो चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी उसने कहीं ना कहीं देखिए आपको पता है वो नहीं उसने पूरे की।
पहले तो एक तो इन्फॉर्मेशन इतने टाइम लेट दी, तब तक देखिए जो है काफी हद तक वायरस का जो स्प्रेड है वो यूरोपियन कंट्रीज और यूएस तक हो चुका था। और उसके बाद जो है देखिए अब आपको पता है इतने केसेस आ चुके, इंडिया में अराउंड रोज के जो है 60-70 हज़ार नए केसेस सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो कंट्रोल कर पाना इसको काफी मुश्किल है। तो अब तो देखिए यही चीज है, या तो इसकी वैक्सीन आए जल्द से जल्द या मेडिसिन इसकी डेवलप की जाए। इस पर देखिए सभी कंट्रीज काम कर रही है और बहुत जल्दी जो है उम्मीद है इसकी वैक्सीन जो है डेवलप हो जाएगी। बट ये देखिए चीज इंपॉर्टेंट है कि वही काउंटर को, चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ने किन दो कंट्रीज के साथ जो है सप्लाई चेन रिसाइलेंस इनिशिएटिव को शुरू किया, क्या वो यूएस और ऑस्ट्रेलिया है, यूएस और साउथ कोरिया है, जापान ऑस्ट्रेलिया है या यूके और जापान है। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर जो है इंडिया ने लॉन्च किया है सप्लाई चेन रिसाइलेंस इनिशिएटिव। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अभी देखिए रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रपोजल फॉर लीजिंग आउट हाउ मेनी एयरपोर्ट्स ऑफ एएआई, यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो देखिए एक बॉडी है जो सभी एयरपोर्ट्स का रखरखाव देखती है। उन्होंने देखिए अभी रिसेंटली तीन जो एयरपोर्ट्स है उसको लीज आउट किया है अंडर पीपीपी मॉडल, जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल है उसके तहत अडानी एंटरप्राइजेस को। तो इनमें से कितने एयरपोर्ट्स उन्होंने लीज आउट किए, क्या वो दो एयरपोर्ट है, तीन एयरपोर्ट है, चार एयरपोर्ट है या पांच एयरपोर्ट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी तीन एयरपोर्ट्स को जो है अभी लीज किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अडानी कंपनी के जो हेड है मिस्टर गौतम अडानी उनकी फोटो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। इनमें से किस मिनिस्ट्री ने अभी लॉन्च किया रिसेंटली नई उड़ान स्कीम, स्कीम का क्या नाम रखा गया, नई उड़ान। तो किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया, क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है? अब देखिए इसमें बहुत सारे स्पायरेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उड़ान वर्ड लिखा हुआ है तो सोचेंगे कहीं ना कहीं ये फ्लाइट से रिलेटेड है, जैसे चीप फ्लाइट्स प्रोवाइड करने का एक तरीके से स्कीम हो सकती है। तो इसके लिए वो हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को मार्क करते हैं, बट इसका जो करेक्ट आंसर है देखिए वो है डी ऑप्शन, यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। इसके तहत क्या बेसिकली जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से रहने वाले लोग इंडिया के में उनको जो है सिविल सर्विसेज जो का जो पेपर होता है यूपीएससी का उसकी प्रिपरेशन के लिए जो है एक तरीके से हेल्प करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया, जितने भी हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के रहने वाले यहाँ पे इंडिया में लोग हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर जो है मिस्टर मुख्तार अकवास नकवी जी, उनकी फोटो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की। इनमें से किस बैंक ने अभी लॉन्च किया है कॉन्टैक्टलेस डिजिटल इनिशिएटिव जिसका नाम है लक्ष्मी डिजी को, क्या वो लक्ष्मी विलास बैंक है, बंधन बैंक है, इंदस इंड बैंक है या कोटक महिंद्रा बैंक है? थोड़ा सा देखिए आपको ये याद करना इजी हो जाएगा क्योंकि इसका नाम क्या रखा गया इस इनिशिएटिव का, लक्ष्मी डिजी को। तो इसका जो जिस बैंक ने इसे लॉन्च किया उसका नाम भी क्या है, लक्ष्मी विलास बैंक। तो वहां से आप कोरिलेट कर सकते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लक्ष्मी विलास बैंक का जो लोगो है। आगे लास्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा ऐसा पहला स्टेट है जिसने ऑफर किया है कि वो गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करेंगे बेस्ड ऑन द सीईटी स्कोर। पहले देखिए मैं आपको सीईटी के बारे में बता दूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी फील्ड से रिलेटेड है, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम से रिलेटेड। तो देखिए अभी तक आपको पता है अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको देखिए अलग अलग एग्जाम्स देने होते हैं, जैसे आईबीपीएस का एग्जाम होता है जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, वैसे एसबीआई अपना एग्जाम अलग कंडक्ट करता है, वैसे ही आरबीआई अलग करता है, बाकी जितने चाहे हमारी इंश्योरेंस कंपनी हो गई LIC वगैरह जैसे जितने भी है ये अभी तक देखिए अपना अपना एग्जाम इंडिविजुअली कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें वैसे ही अगर मैं बात करूं SSC की तो SSC अपना CGL का एग्जाम अलग कंडक्ट करते हैं, CHSL का, CPO का, MTS का, फिर इसके अलावा रेलवे कंडक्ट करता है, NTPC ग्रुप डी। तो क्या देखिए तो इसमें क्या आपको इतने सारे फॉर्म्स भरने पड़ते हैं तो आपको इसमें काफी आपका अमाउंट भी लगता है। इसके अलावा हर एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं अलग है, आपको पता है बैंकिंग का सिलेबस अलग है, SSC का अलग है। तो देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया अभी खासकर इन तीनों जो मेन एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग, SSC और रेलवे, इनका जो पहला एग्जाम है वो कॉमन कर दिया है। और जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली बॉडी है उसका क्या नाम है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी NRA, और वो कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराएगी, CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके तहत आपको जो अभी तक आप अलग अलग टीयर 1 या प्री का एग्जाम देते तब वो कॉमन हो जाएगा बैंकिंग, SSC और रेलवे एग्जाम्स के लिए। और अब इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी पहले जो कह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब ऑफर करेंगे बेस्ड ऑन योर CET स्कोर, क्या वो महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है? तो इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जो गवर्नमेंट जॉब देगा ऑन द बेसिस ऑफ CET स्कोर। तो भी आप खासकर अगर आप मध्य प्रदेश से तो आप इसको जरूर ध्यान रखें क्योंकि हो सकता है अगले साल इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने तो इसको अप्रूवल इसका दे दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश के जो एट प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है मिस्टर शिवराज सिंह चौहान, उनकी फोटो। और आखिरी क्वेश्चन हमारा है कि विच कंट्री साइंड कल्चरल एग्रीमेंट विद इंडिया टू स्ट्रेंथन द स्ट्रेटेजिक बायलेटरल रिलेशंस थ्रू प्रमोटिंग द पीपल टू पीपल एक्सचेंज, क्या वो जापान है, इसराइल है, ऑस्ट्रेलिया है या अफगानिस्तान है? तो किस कंट्री ने भी साइन किया है कल्चरल एग्रीमेंट इंडिया के साथ?
इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी इसराइल। आपको पता है देखिए इंडिया और इसराइल के काफी अच्छे बायलेटरल रिलेशंस है, तो उसको एक तरीके से और प्रमोट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए कल्चरल एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया, यानी इंडिया के लोग जो है वो इसराइल के कल्चर को इससे समझ सकेंगे। इस ऐसा एक अरेंजमेंट किया जाएगा अगले 3-4 सालों के लिए, और वैसे इसराइल के लोग इंडिया के जो कल्चर है उसको समझ पाएंगे। और खुद इंडिया का कल्चर तो वैसे ही काफी वास्ट है, डाइवर्स है। तो ये जो है इंडिया और इसराइल के बीच में ये रिसेंटली एग्रीमेंट साइन हुआ है, आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं। और ये थे देखिए आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस। जैसे मैंने बताया पिछले पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स पर बेस्ड हमारा ये शो रहता है। अब आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही रहे, ठीक है, या कितने गलत रहे। आपको पता है कि सभी एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, तो आपको ध्यान से जो है आंसर्स को एग्जाम में मार्क करना है, ठीक है। और आपको अगर हमारे डेली मंडे टू सैटरडे वाला शो देखेंगे तो मैं कह सकता हूँ आपको आउट ऑफ 20 15 से 17 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो आप वो शो भी रोज देखा करें। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पे जरूर जा सकते हैं जो कि www.takshiralearning.com, जहाँ पे भी हमने देखिए ब्रिलियंट 50 बैच स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ पे हम ऐसे टॉप 50 स्टूडेंट्स को अपने साथ एनरोल कर रहे हैं जो कि बैंकिंग और SSC एग्जाम्स की कोचिंग को लेके काफी सीरियस है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो इन एग्जाम्स को अगर वो क्रैक करना चाहते हैं। जैसे भी IBPS PO का एग्जाम आने वाला है, SSC का भी एग्जाम होगा अभी आगे, तो आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए हम पूरे आपको 1 साल के लिए पर्सनलाइज कोचिंग देंगे, बुक्स देंगे ऑनलाइन फॉर्म में ही, ठीक है। टेस्ट सीरीज रहेगी आपकी प्रिपरेशन के लिए, वीकली असाइनमेंट्स हम आपको देंगे, ठीक है। और जो आपका 1-to-1 फैकल्टी के साथ सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू, तो ये सब आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे जाना है, और ज्यादा आपको डिटेल्स वहां मिलेगी। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।